जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बैंक में निकली हुई ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती के बारे में, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 24.5% वैकेंसीज रिजर्व है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन को बहुत कम जॉब में ही रिजर्व मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यह दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जो अभी देख रहे थे उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, यानी कि पब्लिश हो चुकी है। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी है, जिसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, इसमें से जो काम की चीज़ें हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, उनके लिए मैंने इस स्लाइड में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच में आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो होगा आपका 21 नवंबर 2024 के लिए। फिक्स डेट है 21 नवंबर 2024 को आपको ऑनलाइन टेस्ट इस भर्ती का होना ही है। ओके, चलिए सबसे जरूरी बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं और भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों बेसिक पे यहाँ पर आपकी 10,940 होगी, प्लस आपके अदर अलाउंसेस डीए वगैरह मिला के, एचआरए वगैरह मिला के, जो आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड होगी आपकी वो होगी 35,000 रुपये। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो फर्स्ट सैलरी आपकी आएगी 35,000 रुपये, तो अच्छी खासी सैलरी है मेरे हिसाब से। वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस भर्ती में दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए 24.5% वैकेंसीज रिजर्व है। एज रिलैक्सेशन, तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं फॉर्मूला बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ काम की चीज़ आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपकी एज 50 साल से कम है और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है। 50 साल से कम एज है, बेधड़क जाकर अप्लाई कर दीजिए, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन, यानी कि ओनली ऑनलाइन मोड पर ही आपको जो है वो बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट है दोस्तों www.nabard.org। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फीस, एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फीस ओनली 50 रुपीज़ है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये है, लेकिन आपके लिए 450 रुपये का यहाँ पर जो है वो छूट दी जा रही है। आपसे एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी, केवल इंटीमेशन चार्जेस आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों ओनली 10th पास अगर आप हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जो स्कूल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में होगा दोस्तों आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT। ऑनलाइन टेस्ट में आपसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 120, और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स यानी कि टाइम होगा आपके पास में 1.5 आवर्स यानी कि 90 मिनट। चलिए जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसका नाम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे कुछ भी नहीं, केवल आपसे हिंदी या फिर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज में आपसे जो है वो एक केवल बात की जाएगी। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि किस स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी किस लैंग्वेज में जो है वो LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। कुछ नहीं, आपसे नॉर्मल बात की जाएगी, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, पूरे इंडिया में ये जो है दोस्तों वैकेंसीज निकली हुई हैं स्टेट वाइज, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिस स्टेट के रहने वाले उसी स्टेट में अप्लाई करेंगे। जहां पर भी आपको वैकेंसीज ज़्यादा दिखाई देती हैं या फिर आपकी जहां से भी भरने की इच्छा है, वहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसीज जो रिजर्व हैं वो हैं दोस्तों 19, यानी कि 19 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो 14 अगस्त 2014 का DOPT डिपार्टमेंट का लेटर है, उसके तहत जितने भी रिजर्वेशंस या फिर जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं किसी भी भर्ती में भर्ती करने के लिए, वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला है कि जैसे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अब डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है कौन, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज गॉट डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी। ठीक है, आपको आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करते समय अगर आप एनिमी हैं कि दूसरे देश के दुश्मन से लड़ते हुए अगर आप डिसेबल्ड हुए हैं, आप इंजर्ड हुए हैं, तो आप DES में यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के तहत आएंगे। ओके, उसके बाद में दोस्तों और इन डिस्टर्ब्ड एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। अब डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा है, जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गई, इस टाइप के एरिया में अगर आप दोस्तों इंजर्ड हुए हैं तो आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आएंगे और आपको डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आपका दोस्तों कोई डिपेंडेंट है, सॉरी, जैसे कोई सर्विसमैन था और वो किल्ड हो गया, मतलब शहीद हो चुके हैं, तो उनके डिपेंडेंट के लिए भी यहाँ पर दोस्तों जो है वो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब कोई ऐसा सर्विसमैन है जो कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले रिटायर होने वाला है, तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2025। तो 1 अक्टूबर 2025 से पहले आप लोग अगर रिटायर हो रहे हैं तो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।